देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद से है। राजभर समाज ने की तैयारी, अब की बार फिर योगी की बारी। घर घर अलग जगाएंगे, फिर से कमल खिलाएंगे। गाजीपुर सुभा सपा पूर्व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों राजभरों ने भाजपा की सदस्यता ली। जखनिया गाजीपुर ओम प्रकाश राजभर का राजभर समाज के हितों से कोई संबंध नहीं है। वह महज समाज की संख्या को सत्ता के दलालों को बेचकर धन उगाही का काम करते हैं, जबकि राजभर समाज का हित भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में राजभर समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हुए एक बार पुनः योगी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। उपरोक्त बातें भारतीय समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र राजभर ने सैकड़ों साथियों सहित भाजपा में शामिल होते हुए कहा। उत्तर प्रदेश सम कल्याण परिषद के नामित सदस्य भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुराव राजभर के नेतृत्व में राजभर समाज के लोग शुक्रवार को अचानक भारतीय जनता पार्टी जखनिया विधानसभा चुनाव कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा में अपनी आस्था बताते हुए पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व कार्यकर्ताओं ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर निजी स्वार्थ के लिए समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, जबकि राजभर समाज का हित सदैव से भाजपा में सुरक्षित रहा है। ऐसे में हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्य करेंगे। वक्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर के प्रति काफी आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि अपने परिवार के साथ ही रिश्तेदार तक के हित की बात करने वाला ओम प्रकाश राजभर का राजभर समाज से कोई संबंध नहीं रहा। वह समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों के इशारे पर काम करने वाले महज एक मोहरा बनकर रह गए हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मुराव राजभर व भाजपा एटा जनपद से विधायक विपिन वर्मा ने कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राम प्रसाद राजभर, पुनवासी राजभर, संजय राजभर, छोटू राजभर, लालजी राजभर, भोला राजभर सहित सैकड़ों की संख्या में राजभर समाज के लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय देते हुए जरा बताइए, आज ये किस तरह का कार्यक्रम था? मैं डॉक्टर मुराव राजभर, भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ और उत्तर प्रदेश में श्रम कल्याण परिषद का नाम सदस्य। मैं 28 सितंबर 2019 को नामित किया गया था श्रम कल्याण परिषद। इसमें जो चुनाव चल रहा है, इसकी परिस्थितियाँ क्या बता रही हैं? परिस्थितियाँ हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी आदरणीय योगी जी की नेतृत्व में बनेगी और जो कठवा के काम कर रहे हैं आदरणीय विकास राज्य की, ये राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं। 2017 में इनको 8 टिकट गठबंधन में दिया गया था, जिसमें अपने और अरविंद राजभर को चुनाव लड़ाने के बाद सारे टिकट को ये दूसरे को दे दिए, समाज के नहीं दिए। एक तरह से कहा जाए कि अब चाहे वो धन उगाही क्यों, जैसे वो दूसरे को दे दिए। जैसे यह सुनने में आया सर कि काफ़ी राजभर समाज के लोग आज भाजपा कार्यालय पे बिना बुलाए अपने से आए हैं। ये प्रभु वर्ग के बैठे थे, ये बिना बुलाए, ये चुनाव हो रहा है, ओम प्रकाश राजभर का कार्यक्रम लगा था तो उनको ये लगा कि राजभर समाज मेरे साथ है, जबकि उनके साथ में मंच पर राजभर समाज के एक भी नेता नहीं थे। वहाँ पर जो सपा से जो गठबंधन हुआ था, सपा के लोग धक्का मुक्का मार करके राजभर समाज को नीचे कर दिए। तो मैंने एक सोचा कि एक विधानसभा कार्यालय में, इससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि राजभर समाज के लोग भाजपा के साथ जुड़े रहेंगे? जी, राजभर समाज पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और आज भी 80% से ज़्यादा राजभर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इनके रीत नीति को देख करके। क्योंकि जो भी कोरोना काल में जो पैसा मिला, वह खाने पीने के लिए अन्न की भी व्यवस्था दी गई और जो प्रधानमंत्री द्वारा जो उज्ज्वला योजना के तहत जो व्यवस्था दी गई थी, गैस कनेक्शन, विद्युत से संबंधित और बिना खाता का जो जनधन का जो खाता खोला गया था, 1 महीना पर मंथ जमा करने के बाद 12 रुपये में 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा था और आयुष्मान के तहत 5 लाख का भी मेडिकल का भी था बना था। उसी तरह से श्रम कल्याण परिषद में भी ये व्यवस्था बनाई गई है, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं श्रम कल्याण में, उनको उत्तर प्रदेश सरकार में यह नियम है कि श्रम विभाग से भी 5 लाख का बीमा उनको मेडिकल के लिए दिया जाएगा। जी हाँ, जिलाध्यक्ष जो थे, पूर्व जिलाध्यक्ष जो 7 बार अरविंद राजभर कहाँ है? मीडिया के लोग भाई अखिलेश भैया के बता दिया कि अखिलेश भैया भी पटान रहे हैं, ओम प्रकाश के हुआ हुआ जरा जुबान से नाम लेते हैं, आंखों से आंसू छलक जाते हैं। कभी हजारों बात किया करता थे हर राजभर जवान, आज एक बात के लिए तरस जाता है।
इसके लिए धन्यवाद आप लोगों को।